नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि आर्कटिक में बर्फ पिघलने की वजह से जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया इंसानों की आबादी में आ सकते हैं और ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक के बर्फ में हजारों साल से दबे और छिपे हुए बैक्टीरिया और वायरस के बहकर इंसानों के बीच आने की आशंका है। ये बैक्टीरिया और वायरस इंसानी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से काफी ताकतवर हो सकते हैं, जिसका जानलेवा प्रभाव इंसानों पर पड़ने की आशंका है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक में परमाफ्रंट भी पिघल रहा है और उसमें सदियों से वायरस और बैक्टीरिया छिपे हुए हैं जो इंसानी आबादी में उजागर हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि तेजी से पिघलने वाले परमाफ्रंट से शीत युद्ध के परमाणु रिएक्टरों और पनडुब्बियों से रेडियो एक्टिव कचरा भी पिघलकर बह सकता है। स्थायी रूप से जमी हुई परमाफ्रंट उत्तरी गोलार्ध में लगभग 23 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जो 10 लाख वर्ष तक पुरानी है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि वायरस और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया आर्कटिक से पिघलकर वातावरण के संपर्क में आ सकता है। तेजी से पिघलने वाले परमाफ्रंट में अमेरिका रूस के बीच चले शीत युद्ध के दौरान परमाणु रिएक्टरों और पनडुब्बियों से निकलकर जो रेडियो एक्टिव कचरा आर्कटिक में बर्फ के अंदर जमा हुआ है वो भी पिघलकर समुद्र और नदियों में आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जैसे हमारी धरती गर्म होती जा रही है, आर्कटिक दुनिया भर के अन्य स्थानों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2100 तक दो तिहाई परमाफ्रंट नष्ट हो सकता है। नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार परमाफ्रंट के गायब होने से सिर्फ एक ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे नुकसान इंसानी सोच से कहीं ज्यादा हो सकता है। इस घटना में बैक्टीरिया, अज्ञात वायरस, परमाणु अपशिष्ट और घातक रसायन भी बहने की संभावना है। ईसा नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मीटर से ज्यादा की गहराई पर मौजूद परमाफ्रंट पृथ्वी पर उन कुछ वातावरणों में से एक है जहां मौजूद बैक्टीरिया और वायरस से बीमार पड़ने वाले मरीजों का इलाज करने की क्षमता आधुनिक एंटीबायोटिक दवाओं में नहीं है। साइबेरिया के गहरे परमाफ्रंट में 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जिन पर एंटीबायोटिक पूरी तरह से बेअसर है। ऐसे में बर्फ के पिघलने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये बैक्टीरिया और वायरस भी पानी में मिल सकते हैं और फिर ऐसे स्ट्रेन का निर्माण कर सकते हैं जिनका कोई इलाज भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 70 सालों में 1000 से ज्यादा इंसानी बस्तियां, सैन्य योजनाएं, वैज्ञानिक परियोजनाएं परमाफ्रंट पर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से परमाफ्रंट के प्रदूषित होने और तेजी से पिघलने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।